खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें महकमा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रिश्वतखोरी और बेजाबतियों के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से तमाम इख्तियार छीन कर ये इख्तियार कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिए हैं, जिसमें गैर कानूनी तामीरशुदा इमारतों को मिसमार करना और मकान और बिल्डिंग को तामीर करने का एनएसओ अब हर जिला के डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर के पास होगा, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर फाल कर दी गई है। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी साहब का यह तजुर्बा किस हद तक दुरुस्त साबित होता है कि आया अब डीसी और एसी या इनका अमला ईमानदारी से काम करता है या सबका महकमा की तरह यहाँ भी रिश्वत का बाजार गर्म रहेगा और सियासी दबाव में आकर दोबारा वही अमल शुरू हो जाएगा। अब इन गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर करेंगे। इस सिलसिले में सुपरविजन कमेटी, जिले डेमोलिशन कमेटी और सब लेवल कमेटी तश्कील दे दी गई है। सुपरविजन कमेटी में कमिश्नर की सरबराही में एडिशनल आईजी और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, चेयरमैन आबाद समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल होंगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल HRJDO News।